पूरे देश में आज विजयदशमी मनाई जा रही है। आज शाम को रावण के पुतले का दहन होगा, लेकिन दमोह में विजयदशमी से एक दिन पहले ही यानी नवरात्रि के नवमी के दिन ही रावण दहन हो गया। रावण दहन के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रावण दहन के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे बुंदेलखंड की विरासत को संवारेंगे और बुंदेलखंड को लेकर जो धारणाएं हैं उसे बदलने की कोशिश करेंगे। इस बार दशहरा का संदेश यही है कि बुंदेलखंड के बारे में हम सब मिलकर धारणा को परिवर्तित करें। हमारे पास में जो विरासत है 170 साल पुरानी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति एक साधक के साधना से आज भी उसी जीवंत तो तेजस्वता के साथ हमारे बीच में है और वो इतिहास कहती है। एक 92 साल की परंपरा है, एक 85 वर्ष पुरानी परंपरा है। युद्ध के यशस्वी आपके पास में इतिहास है, यानी वीरता है, भक्ति है, साहित्य है, कला है, संस्कृति है, नृत्य है और गायन की एक लंबी 125 वर्ष पुरानी परंपरा आपके पास है। कोई कारण नहीं है कि हम बुंदेलखंड को बंजर भूमि कहने वालों का मुंह बंद करें। मैं ये चाहूँगा और माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जिस प्रकार से उन्हें कृपा रखी है पूरे दमोह ज़िले पर, प्रदेश पर, इस प्रकार कृपा बनाए रखें। दमोह में रावण दहन के मौके पर लोग हर साल नया संकल्प लेते हैं। इस साल यहां के आयोजकों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था, यानी यहां रावण का पुतला इको फ्रेंडली था। श्री राम जी सेवा समिति 39 वर्षों से इस रावण दहन कार्यक्रम में कोई ना कोई ऐसा संदेश जरूर देती है, दिया है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस पॉलीथीन को इस धरती माता से दूर करेंगे, उसे खत्म करेंगे, तो जिस प्रकार से बुराई का अंत होता है, अपनी धरती को, अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित रख पाएंगे। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं तमाम सारे उन लोगों का जो पर्यावरण की दिशा में अपनी एक नई सोच रखते हैं, चाहे वो भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हों। आज दोनों के प्रतिनिधि सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और भारत सरकार के मंत्री हमारे बीच थे। दमोह में विधायक श्री राहुल सिंह जी, ये दोनों लोगों ने जो आकर इस मैदान के ऊपर इस संदेश को देने में हमें सहायता दी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दमोह में 39 साल से रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। रामलीला मैदान में इस बार 45 फीट के रावण के पुतले का दहन हुआ। इस दौरान यहां काफी संख्या में लोग जुटे थे। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।